यूपी के बलिया में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बलिया से नहीं जोड़ने के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के शिलान्यास कार्यक्रम की रैली का विरोध करने जा रहे कांग्रेस नेता बाबुल सिंह समेत 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए हाथों में नारे लिखे तख्तियां लेकर जाते ये कांग्रेस के नेता बाबुल सिंह और उनके कार्यकर्ता हैं जो आज आजमगढ़ में मोदी के द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास कार्यक्रम का विरोध करने के लिए जा रहे हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाबुल सिंह की माने तो मोदी जब बलिया में उज्ज्वला योजना का उद्घाटन करने बलिया आए थे तो कहे थे कि जब जब देश को जरूरत पड़ी है बलिया ने अपना योगदान दिया है, तो फिर बलिया की उपेक्षा क्यों। कांग्रेस नेता और इनके कार्यकर्ता आजमगढ़ में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करने जा रहे थे तो बाबुल सिंह और उनके साथ लगभग 50 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार करके अपने पास बिठा रखा है। मेरा नाम बाबुल सिंह, युवा नेता बच्चन जी। आज किस तरह की गिरफ्तारी हुई आप लोगों की? देखिए, ग्रीफ है कि आज आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जिसका विरोध करने के लिए हम लोग जा रहे थे और उसके तहत हम लोगों को गिरफ्तार किया गया पुलिस के बल पे। लगातार लोगों को 3 दिन से लगातार परेशान किया जा रहा था कि हम लोग ऐसा न कर पाए, लेकिन ये बलिया के नौजवानों कांग्रेस की इसका हिम्मत कहा जाएगा कि सड़कों पर उतर के लगातार हम लोगों ने पुरजोर विरोध करने का काम किया। ताकि आप सभी जानते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास होने जा रहा है और यदि पूर्वांचल से जुड़ी हुई किसी परियोजना में यदि बलिया का नाम नहीं है, अगर बलिया का स्थान नहीं है, तो हम सभी लोग उस परियोजना को फिर पूर्वांचल से संबंधित नहीं मानते हैं। जनपद बलिया में कांग्रेसी नेता विवेकानंद सिंह उर्फ बाबुल सिंह ने कल ऐलान किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली जो आजमगढ़ में होनी है वहाँ जाकर उनका विरोध प्रदर्शन करेंगे, तो LIU की रिपोर्ट के आधार पर वो उस रैली में शांति भंग की संभावना ना हो, इसको देखते हुए बाबुल सिंह तथा उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया।